दोस्तों जो Realme 11 Pro Plus 5G है वो ऑफिशियली भारत में आ चुका है। जो नया नंबर सीरीज फ्लैगशिप है Realme का, इसमें बड़े नंबर्स है भाई स्पेक शीट पर, और ये एक्चुअली में बड़ा भाई है Realme 11 Pro का। ये जो डिवाइस है ये सक्सीड कर रहा है उन बिल्कुल ही ज्यादा पुराने ना हुए 10 Pro Plus 5G को, और जो नया Realme 11 Pro Plus 5G है ये फोकस कर रहा है कुछ कैमरा इंप्रूवमेंट्स पे और क्लेम कर रहा है कि भाई इनहांस करेगा ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को। अब भाई हमारा रिव्यू जो है वो लाइव है gadgetc60.com पर ये रही है क्विक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक आप लोगों के लिए Realme 11 Pro Plus 5G की। अब दोस्तों जो Realme 11 Pro Plus 5G है ये बड़ा ही कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देता है। लिड को लिफ्ट करते ही आपको एक कवर मिलेगा जहां पर ट्रांसपेरेंट केस है सिम ट्रे इजेक्टर टूल के साथ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और उसके बाद आपको मिलता है Realme 11 Pro Plus अपने Oasis ग्रीन कलर में। ये जो है इसमें नया डिजाइन है वीगन लेदर बैक के साथ और बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, और भी हम आपको बताएंगे फोन के बारे में कुछ समय में। बॉक्स के अंदर आपको एक बड़ा 100 वॉट का चार्जिंग अडैप्टर भी मिलता है और एक USB टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिलता है। Realme जो है वो ऑफर कर रहा है अपनी कर्व्ड एज AMOLED डिस्प्ले को 11 Pro Plus 5G के साथ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है यहाँ पर हाँ जी ये अभी भी इंप्रेसिव है। ऑन पेपर आपको 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। जो चिन है इस डिस्प्ले की वो काफी पतली दुबली है 2.33 मिलीमीटर पर, शायद से थिनेस्ट है सेगमेंट में। फोन के अंदर एक प्लास्टिक फ्रेम है जिसमें की पावर और वॉल्यूम बटन है राइट एज पे, टॉप और बॉटम एजेस जो है वो फ्लैट है और उनमें काफी जगह है कि वहां पे USB टाइप सी पोर्ट है, डुअल सिम ट्रे है और प्राइमरी स्पीकर ग्रिल भी है बॉटम पे। जो हाईलाइट फीचर है Realme 11 Pro Plus 5G का वो उसका कैमरा सिस्टम है यार। जो Realme का दावा है कि इस डिवाइस में सबसे बड़ा सेंसर और अपर्चर है इस प्राइस सेगमेंट में। जो बड़ा कैमरा मॉड्यूल है बैक पे उसमें एक नया 200 मेगापिक्सल का सैमसंग HP3 सेंसर है जिसके बारे में ये कथन किया जा रहा है कि वो लॉसलेस इमेजेस ले सकता है 4x जूम तक। यहाँ पे सपोर्ट है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी जो कि मिसिंग था Realme 10 Pro Plus 5G में। जो कैमरा मॉड्यूल है उसके अंदर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और सेल्फीज के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है होल पंच कटआउट के अंदर। जो Realme 11 Pro Plus 5G उसमें कई सारे कैमरा फोकस्ड फीचर्स है जैसे कि मून मोड, हैंड हेल्ड स्टारी स्काई मोड, सुपर नाइटस्केप वगैरह वगैरह। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं हमारे फुल रिव्यू पे gadgetc60.com पर। और आगे बढ़ते हैं जरा, तो फोन के अंदर ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है यहाँ पे 100 वॉट तक का 5000 एमएएच बैटरी के लिए, और जो सुपर वूक चार्जिंग टेक है उसका दावा किया जा रहा है कि वो Realme 11 Pro Plus को पूरी तरीके से चार्ज कर देगा 26 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे एक नया MediaTek Dimensity 7050 सिस्टम ऑन चिप भी है 12GB रैम तक के साथ और 256GB स्टोरेज के साथ। Realme 11 Pro Plus 5G जो है वो रन करता है लेटेस्ट Realme UI 4.0 पे जो कि Android 13 पे बेस्ड है। इसमें कई सारे कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन फीचर्स भी हैं, पर ये कहने के बावजूद ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि फोन में बड़े सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं और बड़े सारे ऐप रिकमेंडेशंस हैं सब जगह UI में, जिससे कि कुछ लोगों को शायद थोड़ा दुख हो सकता है। Realme 11 Pro Plus 5G जो है वो भाई टक्कर ले रहा है Redmi Note 12 Pro Plus 5G से, Poco F5 5G से, Motorola Edge 40 से और भी कई सारे फोन से 30,000 रुपए के मार्क के अराउंड। तो क्या आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप Realme 11 Pro Plus 5G खरीदेंगे, ये जरूर पता करें हमारे फुल रिव्यू में gadgetc60.com पर। और हर एक चीज टेक के लिए gadgetc60 हिंदी के साथ जुड़े रहिए।